जय श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराश्रम में शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित अनेक श्रद्धालुओं की ओर से एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि घर बैठे पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन करते हुए त्रिवार नमोस्तु कहते हैं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबका, देख सुन रहे हैं उन सबका मैं गुणायतन व श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, लगातार लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना जो भाव बनाया है उन्हीं में से बंधुओं आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं निर्वाण निधि के रूप में ऐसे अभय कुमार जी जैन, अमित जी जैन आगरा से, उनके लिए हम बहुत 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 उनको धन्यवाद देते हैं। और निर्माण मित्र के रूप में बंधुओं जो गुणायतन से जुड़े हैं निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आए हैं ऐसे नवीन कुमार जी, ममता जी जैन दिल्ली से, निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्रीमान फूलचंद जी जैन, श्रीमती रुक्मणी जी जैन, हेमंत जैन, श्रीमती संगीता जैन कोटा से, वहीं निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्रीमती कांता बहन, राजकुमार जी सिंघवी अहमदाबाद से, इनका हम जोरदार ताली बजा करके बहुत 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 इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, लगातार लोगों की भावना बन रही है कि जो विश्व का अनूठा आयतन यहाँ पर तैयार हो रहा है बंधुओं, हम उससे जुड़े हैं। तो हम गुणायतन परिवार की ओर से आपको आह्वान करते हैं कि आप आए हमारे इस गुणायतन से जरूर जुड़े। बंधुओं बंधुओं, पूज आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से पूज मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर जो एक अनूठा कार्य हो रहा है उसके सहभागी आप लोग जरूर बने। मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से पूज श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री अशोक कुमार जी गांधी गुजरात से, अहमदाबाद से आपके चरणों में वंदन करते हुए कहना चाह रहे हैं कि कहा जाता है कि इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता है। महाराज श्री, हम हमारे पैसे को पुण्य में ट्रांसफर करने का उपाय कैसे करें जो कि अगले भाव तक हमारे साथ जा सके, कृपया समाधान कीजिए। देखो, पैसे को पुण्य में परिवर्तित करने का बड़ा सरल उपाय, बहुत अच्छी बात कही, इस जन्म का पैसा अगले जन्म में काम में नहीं आता, इस जन्म का पुण्य अगले जन्म में जरूर काम में आता है, ये यथार्थ है। आपने कहा है कि हम अपने पैसे को पुण्य में कैसे परिवर्तित करें, बड़ा सरल है। देखिए, परिग्रह कहा जाता है पैसे को, पैसा पाप है। आपके जेब में रखा हुआ पैसा क्या है, पुण्य की पाप, उसे पाप कहेंगे क्योंकि वो परिग्रह है। लेकिन उस पाप के पैसे को जब आप मंदिर के गुल्लक में डालते हैं तो क्या हो जाता है, दान। दान क्या हो गया, पुण्य। तो पुण्य को, पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का सीधा सीधा उपयोग है। अपने संपत्ति का आप जितना दान कर सको दान करें, आपका पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज श्री, सुर्खी से रानू जैन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पानी मर्यादा छोड़े तो नाश होता है, वाणी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, और नारी मर्यादा छोड़े तो अपराध होता है। तो हे महाराज श्री, हम अपने आप की मर्यादा कैसे बनाए रखें जिससे कि हमसे कोई अपराध ना हो, विनाश ना हो, कृपया समाधान। बात बिल्कुल सही है, जब तक हम अपनी मर्यादा में हैं तभी तक हमारे जीवन की शोभा है। मर्यादा खंडित होने के बाद जीवन में कदम कदम पर खतरा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की मर्यादा की सलामती का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे हर प्रकार से सलामत रखने का प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा हम अपनी मर्यादाओं की रक्षा कैसे करें। सबसे पहले हम अपनी मर्यादाओं को सुनिश्चित करें, एक लक्ष्मण रेखा को हम अपने चारों तरफ खींचे। हर मनुष्य के साथ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा बना करके चलना चाहिए और उस मर्यादा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न हो, इसके लिए संकल्पित रहना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दृढ़ संकल्प होता है वह कभी भी जैसे समुद्र अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे ही महापुरुष कभी भी अपने जीवन में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो मर्यादा का उल्लंघन न हो उसके लिए संकल्प हो और अपने संकल्प के प्रति जागरूकता हो कि ये मेरे जीवन की मर्यादा है, मुझे इसे किसी भी स्थिति में कभी नहीं खोना।
अंतिम कुमार जैन अंजड़ जिला वड़वानी से आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रहे महाराज श्री कि जिंदगी को खुलकर के जीने के लिए हम क्या करें कि साधारण रहें परंतु असाधारण दिखें, चिंतित हों तो भी शांत दिखें, कठोर रहें परंतु सरल दिखें और शुरुआत करें पर विजयी जैसे दिखें, कृपया समाधान करें। साधारण हों असाधारण दिखें, कठोर बने पर नम्र दिखें और चिंतित हों फिर शांत दिखें और शुरुआत करें पर विजयी जैसे दिखें। बहुत अच्छा सवाल किया है। और अपने जीवन में ऐसा कैसे ले कि साधारण हों असाधारण दिखें, कठोर हों विनम्र दिखें, चिंतित हों शांत दिखें और शुरुआत करे पर विजयी मुद्रा में दिखें। इसके लिए चार बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। साधारण हों असाधारण दिखें, इसके लिए सबसे पहली जरूरत है हर व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ बने। जो मनुष्य कर्तव्य निष्ठ होता है वह साधारण होने पर भी असाधारण दिखता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनकी हमारे जीवन पर एक प्रकार की विशेष छाप पड़ती है, असाधारण छाप पड़ती है, वे ही लोग हैं जो पूरी तरह कर्तव्य निष्ठ होकर के जीते हैं। तो हम यदि कर्तव्य निष्ठ होकर के जिए तो साधारण होकर के भी हम अपने आप को असाधारण के तरीके से प्रकट कर सकते हैं। कठोर हों पर विनम्र दिखें, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम नारियल जैसा स्वभाव बनाएं। हम ऊपर से सख्त भले हों लेकिन हमारे अंदर के भावों में शालीनता हो। नारियल की भांति जिस व्यक्ति के जीवन में शालीनता दिखती है तो वह कठोर होकर के भी नम्र दिखाई पड़ता है। ऊपर से कठोर है, भीतर से नम्रता होना चाहिए। स्वभाव इस तरीके का हो, कदाचित हम अपने भाव बर्ताव में तलखी ले आए लेकिन भाव को निर्मल बना के रखें तो कठोर होने के बाद भी हम नम्र दिख सकते हैं। तो वो कठोरता केवल ऊपर की है, अंदर की नम्रता अपने भीतर सलामत रखनी चाहिए। फिर तीसरी बात क्या पूछी उन्होंने, चिंतित हों फिर भी शांत दिखें। देखिए चिंतित व्यक्ति कभी शांत नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कितनी भी चिंताजनक स्थिति हो तत्व ज्ञान का सहारा लेता है वो ऐसी अवस्था में व्यग्र नहीं होता। उसके लिए परिस्थितियों के सामने आने पर चिंतित होने की जगह चिंतन करने का रास्ता रखना चाहिए और शुरुआत हो पर विजयी की मुद्रा दिखे, वो तभी संभव है जब आप आत्मविश्वास से भरे रहें। महाराज श्री प्रमोद जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती है, कह रहे हैं कि माता पिता बच्चों का लालन पालन करती हैं लेकिन भावना योग इस तनाव भरे युग में उन्हें तनाव मुक्त होकर जीना सिखाता है। माता पिता का ऋण उनकी सेवा करके उनका गौरव बढ़ा करके एक बार फिर भी चुकाया जा सकता है लेकिन महाराज श्री आपका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आपका ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं चाहता ही नहीं कि मेरा कोई ऋण चुकाए, मैं किसी को ऋण देता ही नहीं। बस गुरुओं के प्रति ऋणी बने रहने का भाव भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि आपके अंतरंग में ऐसा भाव बना रहता है और आप उनके प्रति ऋणी बने रहते हैं तो यह भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। हम अच्छी बातें सीखें और उसके अनुरूप अपना आचरण करें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो गया और जो हमें मिले उसे हम अधिक अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। यदि ऐसा हम करते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। महाराज श्री एक ही प्रश्न को बहुत लोगों ने भेजा है, जैसे सीमा जैन राजनांदगांव से, संजय जैन जबलपुर या घुआरा से, ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज श्री आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए महाराज श्री 30 तारीख 31 तारीख और 1 तारीख को समय शिखर की जो वंदना करके घर वापस लौट रहे हैं, घर वापस हो गए, कृपया उनके लिए मार्गदर्शन करिए कि उन्हें घर में रहकर पूजा पाठ करनी चाहिए या मंदिर जाना चाहिए। अगर हमारा मंदिर का नियम है तो हम क्या करें ऐसे में? देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे अगर वो सही है तो सब कुछ करे, और यदि उसके लिए कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पहले अपनी जांच करानी चाहिए। आज ही मेरे पास कई लोगों की सूचनाएं आई है
जो घर पहुंचते ही पॉजिटिव हो गए, तो आपको जाकर के थोड़ा सा अलग थलग रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी संक्रमित हो सकता है, और न केवल आपकी अपनी अपितु पूरे परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार भी ऐसे व्यक्ति को थोड़े समय अलग थलग रहना चाहिए और अपने आप की जांच परख करके ही सब काम करना चाहिए। कदाचित मंदिर भी जाएं तो मंदिर में इस तरीके से जाएं कि और किसी को स्पर्श न हो, दूर से एक कार्य कर सकते। महाराज श्री प्रमोद जी कहते कारंजा लाड से यहाँ अनेक लोगों के साथ यहाँ पर वंदना करने के लिए आए हुए हैं। वे आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, संयुक्त रूप से अगर हम दान करते हैं तो पुण्य सबको मिलता है, अगर उनमें से कोई पाप भी कर रहा है तो उस पाप का भागीदार कौन होगा? कई बार ऐसा सवाल आता है, मैंने अनेक बार बोला कि संयुक्त परिवार में कोई एक व्यक्ति दान देता है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। एक बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पूरे परिवार का धन है, एक व्यक्ति का नहीं। मैनेजमेंट भले एक व्यक्ति के हाथ में है, स्वामित्व भले उस व्यक्ति के हाथ में है, पर संपत्ति परिवार की है, और पारिवारिक संपत्ति का दान करने से पुण्य पूरे परिवार को मिलेगा और उसमें परिवार की अनुमोदना भी होती है, और अनुमोदना है तो उसका पुण्य तो उसको मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक पाप की बात है, पाप कोई भी व्यक्ति करे, अपराध कोई भी करे, तो अपराध परिवार की संपत्ति नहीं है, वो इंडिविजुअल है। और अपराध अगर उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, वो समाज परिवार की संपत्ति नहीं, तो उसका परिणाम भी व्यक्तिगत ही होना चाहिए। उसका परिणाम परिवार को भोगने की बात नहीं है, हाँ, बशर्ते परिवार की उसमें अनुमोदना और सहयोग ना हो। यदि परिवार की उसमें अनुमोदना और सहयोग है तो परिवार उस पूरे के पूरे पाप का भागीदारी होगा, बराबर से भागीदार बनेगा। तो किस स्थिति में है, किस रूप में, इन सब बातों को देखकर समझ करके सारी बातें सुनिश्चित की जाती है। इसलिए हाँ, कभी कभी ऐसा होता है परिवार का एक सदस्य गलत काम करता है और बदनामी पूरे परिवार की होती है, तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य पाप उस व्यक्ति के साथ जुड़ा है। ठीक इसके उलट परिवार का एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, नाम पूरे खानदान का होता है, तो वो उस व्यक्ति का दाएं भाग जुड़ता है, पुण्य में भी पाप में भी। उस व्यक्ति के पुण्य और पाप का जैसा उदय होगा वैसा होगा। लेकिन जहाँ तक पाप लगने और न लगने का सवाल है, तो जो व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति का दान दे रहा है तो पुण्य बराबर सबको लगेगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रवृत्ति का परिणाम सबको नहीं मिलेगा। अरे श्री सौरभ जी कहते वाराणसी जो कि इसी संघ से आई हुई है, वंदना करने के लिए वो आपके चरणों में वंदन करती हुई कहना चाहती है कि महाराज श्री, माँ की मृत्यु के पश्चात बेटे ने उनकी जितनी भी संपत्ति थी संपूर्ण संपत्ति को दान दे दिया, तो उस दान का फल उस माँ को लगेगा कि उस बेटे को लगेगा? पहली बात तो ये बताओ, माँ के मृत्यु के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन हुआ, माँ या उसका बेटा? स्वाभाविक है, जिसके पास वो संपत्ति वही उसका मालिक होगा। तब वो संपत्ति माँ की रही या बेटे की? तो संपत्ति माँ की रही, तो जिसकी संपत्ति बेटे की रही तो जिसकी संपत्ति उसके खाते में पुण्य जाएगा, माँ को कहाँ से मिलेगा। हाँ, माँ को कदाचित माँ ने अपने जीते जी अपनी ओर से दान के भाव किए हो और बेटे को यह कह करके सौंपा हो, बेटा मेरी इस संपत्ति को तुझे दान करना है, तो उसका हिस्सा माँ के पास जाएगा। लेकिन जैसे कि सब लोग छोड़ करके जाते हैं अपने बारिशों के लिए, तो वो पुण्य उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, वो पुण्य तो उसी का होगा जिसने उसको दान किया है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी संपत्ति से कुछ पुण्य करो तो जीते जी करके जाओ, अपने पीछे वालों के लिए छोड़ कर मत जाओ। अपने जीते जी जो आप करेंगे वही आपके काम का है और उसी अनुरूप कार्य करना भी चाहिए। महाराज श्री मनीष जैन कटनी केवली ग्राम से आपके चरणों में वंदन करती हुई कहना चाह रहे हैं कि आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से हमने गौ पालन करना प्रारंभ किया और एक गाय से आज हम 14 गाय भी कर चुके हैं, पर परंतु मुनिश्री पिछले महीने हमारे साथ ऐसा हुआ कि गौशाला में एक जहरीला कीड़ा वहां पर घुसाया जिसने 4 गायों को काट लिया और 4 गायें मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमारा ग्वाला जो था, उस ग्वाले ने हमें कुछ भी नहीं पता, उस ग्वाले ने उस कीड़े को मार डाला महाराज श्री, अब इसका प्रायश्चित हमें लेना अनिवार्य है क्या महाराज श्री? ये प्रायश्चित तो लेना ही चाहिए, लेकिन इस मंच का विषय नहीं, अलग से गुरुजनों के पास रखो। पर इस संदर्भ में मैं इतना कहूंगा,
जैसे आप घर में रहते हो तो आप अपनी अपने परिवार की सुरक्षा रखते हो, ऐसे ही गौशाला आदि हो तो उसका निर्माण इस तरीके से रखें इस तरह के किसी भी जीव जंतु के प्रकोप से वे बच सके, ये सुनिश्चित होना ही चाहिए। महाराज साहब दिलीप जी से उठक के पुसक महाराज के आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री अब हम गायत्री के दर्शन करने के लिए आए तो हमें गेट बंद मिले, परंतु थोड़ी देर हम रुके रहे कि हमें दर्शन होंगे होंगे, और थोड़ी ही देर रात के बाद महाराज श्री हमें जब थोड़ी सी दूर से आपकी झलक दिखी, ये हमारे कौन से कर्म का उदय था, कृपया समाधान करें। देखिए गेट तो कल ही मैंने कहा था कि आम जनों के लिए अब पट बंद रहेंगे, और आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए मैंने कहा हम थोड़ी कहते हैं कि नहीं आओ, लेकिन भावनाएं हैं जो लोग यहाँ हैं जो आ रहे हैं उनकी अपेक्षाएं तो होती ही है, आप अपनी और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करें, पुण्य हमारे भावों से होता है, क्रियाएं उसमें सहायक होती है, लेकिन क्रियाएं ही सब कुछ नहीं। हमारा श्री प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गा प्रजापुर से तो हो गया प्रमोद जी का, एक बार हो गया दोबारा है, एक चार पांच दिन का बहुत दिन से उनके प्रश्न पेंडिंग में पड़े हुए। हमारा श्री अच्छा प्रश्न है, आपके चरणों वंदन करते हुए कह रहे हैं कि साथ रहने का हुनर ताले से सीखा जा सकता है, क्योंकि ताला टूट जाता है पर अपनी चाबी नहीं बदलता, ऐसा हुनर हम हमारे रिश्तों में कैसे लाएं, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही, साथ रहने का हुनर ताले से सीखा जा सकता है, ताला टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। इसमें एक विशेषता है, ताले और चाबी के संबंध को आपने देखा, चाबी ताले को कब खोलती है, जब उसमें वो सेट हो जाती, उसमें उस तरह के खांचे बने होते हैं तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जिस दिन हम ताले और चाबी की भांति एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ जाए, उसी दिन हमारे संबंध वैसे हो जाएंगे। मुश्किल ये है कि हम एक दूसरे के साथ रहते जरूर हैं पर एक दूसरे के होते कहाँ हैं। मैंने कई बार कहा कि हम संबंध को महत्व दें, संपर्क को नहीं। एक साथ रहना संपर्क हो सकता है पर एक दूसरे का होकर रहना संबंध होता है। आज एक साथ बहुत लोग हैं लेकिन फिर भी साथ रहकर भावों की बहुत दूरी है, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कदाचित साथ नहीं रह पाए लेकिन भावनात्मक लगाव इस तरीके का है कि वे एक दूसरे से बिलग नहीं होते। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझकर चलना चाहिए और एक दूसरे का होने के लिए पूरी तरह तत्परता दिखानी चाहिए। महाराज श्री नितिन जैन विनाली बागपत से चरणों वंदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन की छतरी में यदि छेद हो जाए तो मुसीबतों की बारिश सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी छतरी का प्रयोग करें कि मुसीबतों की बारिश चाहे कितनी भी हो हम हमेशा आनंद से भरे रहें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए जीवन की छतरी में अगर छेद हो जाए तो मुसीबतों की बारिश सब कुछ बहा कर ले जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ यदि मनुष्य धैर्य की छतरी तान करके चले तो चाहे कितनी मूसलाधार बारिश क्यों ना हो वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। कदाचित बह भी जाए तो वापस वो सब चीज़ें इकट्ठी होती है। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मुसीबतें आती है जाती है, मुश्किलें कठिनाइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर मन में धैर्य रखे, सकारात्मकता रखे, आत्मविश्वास बना के रखे और अपनी सोच को आशावादी बना करके चले तो मुसीबतों की घड़ी में भी मुस्कुराने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर सकता है। महर्षि मुकेश जी साधना गंगवाल वारा से चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, जिंदगी में हम क्या करें कि हवा और दिया दोनों का लाभ हमें मिले, कृपया समाधान। कुछ नहीं करो, दिया के साथ एक चिमनी जल लगा लो, खुला दिया हो तो उसे हवा क्या हल्का सा झोंका भी बुझा देगा, लेकिन दिए के ऊपर
अगर एक चिमनी लगा दी तो चिमनी उसका सेफ गार्ड बन जाएगा, सुरक्षा कवच, जो तेज हवा के झोंके से भी नहीं बुझ पाएगा। तो हमारे लिए जितना आवश्यक दीपक का प्रकाश है उतनी ही जरूरी हवा भी है, और हवा चाहिए। और हर सच्चे अर्थ में देखा जाए तो उस दीप को जलते रहने के लिए भी हवा चाहिए। इसलिए हवा भी चले और दीप भी जले तो उसके लिए एक ही उपाय है, संयम की चिमनी अपने जीवन के साथ रखो। चाहे जैसी विपत्तियों की तेज आंधी भी क्यों न चले, तुम्हारा निष्ठा का दीप कभी बुझ नहीं पाएगा और जीवन में हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। महर्षि, एक ही प्रश्न दो जगह से एक साथ आया है। कुलदीप रुचि मेहरोनी टीकमगढ़ से, और मुकेश जी साधना जी का भी ऐसा ही प्रश्न था कि नमोस्तु, निवेदित करते हुए कह रहे महर्षि, व्यक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहें तो कांटों के साथ तालमेल रखने की कला किस तरह से विकसित करें, कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक बात है, सोच ही उसे बड़ा बनाती है। गुलाब की तरह खिले रहना चाहता है तो कांटों के बीच मुस्कुराने की वृत्ति अपने अंदर होना चाहिए। कांटों के बीच खिले रहने की कला अपने भीतर कैसे विकसित करें? सकारात्मक सोचें, पहली बात। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो होगा। देखिए, गुलाब को देखकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती होती हैं। पहली प्रतिक्रिया ये कि देखो, कांटों के मध्य खिला रहने के बाद, मध्य कांटों के से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, ये गुलाब कितना खुश मिजाज है। कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है गुलाब, कितना खुश मिजाज है, एक प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया, अरे इन गुलाबों की जिंदगी तो देखो, सारी उम्र कांटों में घिर के रह गई, एक प्रतिक्रिया ये भी है। एक व्यक्ति उस गुलाब के खिलेपन को देख रहा है और एक व्यक्ति उस गुलाब के साथ रहने वाले कांटों को देख रहा है। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम हर जगह उसके सकारात्मक पक्ष को ही देखोगे, और यदि सोच नकारात्मक होगी तो तुम्हें सब कुछ नकारात्मक नकारात्मक ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले तो आप ये कला बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं, और सकारात्मकता के साथ मन में धैर्य हो, आशावादी सोच हो, आत्मविश्वास हो, तो अपने जीवन में ये सब बातें बखूबी घटित की जा सकती हैं। सुनील जी जैन गांधी जबलपुर से नमोस्तु, निवेदित करते हुए कह रहे महाराज श्री कि गुरुवर, मेरी शंका यह है कि संसार में एक ही सकल के सात लोग होते हैं ऐसा सुना है, और नहीं भी होते होंगे, पर दुनिया में हर इंसान के अंगूठे का निशान अलग क्यों होता है, जबकि संसार में सभी का ब्लड तीन या चार में ही बटा है, ऐसा क्यों, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बात सही है, प्रकृति की यही विशेषता है कि कोई भी प्राणी किसी की कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अंगूठे के निशान से तो उसकी अलग पहचान हो ही जाती है। संसार का हर प्राणी अपने आप में अनूठा है, अलग है, और अलग अलग हिसाब से सबके डीएनए की भी पहचान होती है। रक्त के वर्ग को, ब्लड ग्रुप, भले चार भागों में पांच भागों में है, लेकिन केवल ब्लड ग्रुप से ही हमारा जीवन नहीं बनता, और चीज़ें भी हैं। यही प्रकृति की विशेषता है, प्रकृति ने हर प्राणी को अनोखा बनाया, हर प्राणी को अतुलनीय बनाया है। हर प्राणी एकदम अपने आप में अलग है, वो किसी से उसका कोई मेल नहीं, इसलिए हर प्राणी को अपने आप को अनमोल समझना चाहिए, कभी किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें अतुलनीय बनाया है, हर प्राणी को अकेला बनाया, इसे पहचानो। और प्रकृति ने जिस रूप में तुम्हें जन्म दिया है, अपने आप को उसी रूप में देखते हुए आनंदित होने का अभ्यास कर। नितिन जैन फिरोजाबाद से नमोस्तु, निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन के मार्गदर्शक को मेरी तथा फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, विधानों में चक्रवर्ती, इंद्र, इंद्राणी आदि बनते हैं, इनके पद को पाकर के हम अपने जीवन को कैसे महत्वपूर्ण बना सकें, और हमें
ईश्वर का अनुभव किस प्रकार हो, कृपया समाधान। देखिए बघानों में इंद्र चक्रवर्ती आदि बनते हैं, क्यों बनते हैं पूजा विधान में, इसके पीछे के भाव को समझने की जरूरत है। इंद्र इस लोक में सबसे ज्यादा वैभव संपन्न माना जाता है, तो इंद्र के पास महान विभूति है, और इस धरती पर चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विभूति का धनी होता है। हम भगवान की पूजा इंद्र और चक्रवर्ती बन करके केवल इसलिए करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि प्रभु के आगे इंद्र की विभूति और चक्रवर्ती का वैभव भी तुच्छ है। ये इंद्र और चक्रवर्ती के प्रति आकर्षण के लिए नहीं, इंद्र और चक्रवर्ती जैसे वैभव को भी भगवान के आगे तुच्छ समझने के लिए है, उसकी तुच्छता का एहसास करने के लिए। इसलिए मुझे अगर आराधना भी करनी है तो भगवान की करनी है, प्रभु मुझे इंद्र का वैभव नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती का साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रसाद चाहिए। ये भाव होता है एक धर्मात्मा का, आपके चरणों का प्रसाद चाहिए। इस भाव के साथ जो ऐसा कार्य करते हैं वे अपने जीवन को निश्चित तौर पर ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम उस दृष्टि से देखें कि ये सब चीज़ें छूट जाने वाली हैं, ये यहीं रह जाने वाली। एक दूसरी बात, भक्ति के क्षेत्र में हमसे ऊंचा स्थान देवों का है। देव अनवरत हर निश भक्ति कर सकते हैं, हम मनुष्यों के साथ खाने पीने की जरूरतें ज़्यादा आ जाती हैं, हमारे शरीर का सत्य देवों की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए हम इंद्र बन करके पूजा भक्ति करते हैं ताकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति लगन बढ़ जाए और अनवरत चलता रहे। एक दृष्टिकोण ये भी है। और जहाँ तक चक्रवर्ती बनने की बात है तो चक्रवर्ती बन करके पूजा भगवान की केवल इसलिए की जाती है कि भगवान की पूजा केवल वो नहीं करता जो दीनहीन दरिद्र या मुसीबतों में फंसा है, भगवान की पूजा तो इस धरती में सुख साधन से जीने वाले चक्रवर्ती जैसे लोग भी करते हैं। सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए। कई बार लोगों की ऐसी धारणा बन गई है, बना दी जाती, प्रचारित किया जाता है, जिनके जीवन में अभाव है वही धर्म करे, पर ये चक्रवर्ती जैसे पदों को धार कर भगवान की पूजा, ये बात इस बात को दर्शाती है उसके पीछे ऐसा एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है कि छोड़ो दीनहीन चीज लोगों की बात तो बहुत दूर की है, चक्रवर्ती सम्राट भी भगवान का आराधक होता है, क्योंकि प्रभु के आगे ये सब माया है, ये व्यर्थ है, जीर्ण तृण है, इनका कोई सार नहीं। इसलिए उस तरफ अपनी दृष्टि रखें। तो ये जो आपने कहा है इसके पीछे की भावना यही है, तुम इंद्र इस ख्याल से मत बनना, चक्रवर्ती इस ख्याल से मत बनना कि तुम इंद्र बन जाओ या चक्रवर्ती बन जाओ, तुम तो इस ख्याल से इंद्र और चक्रवर्ती बन करके भगवान की पूजा करना कि प्रभु कभी मौका आ जाए आपको और इंद्र को चुनने की, आपको और चक्रवर्ती को चुनने की, तो मैं आपको चुनूं, इंद्रत्व और चक्रवर्ती को कभी न चुनूं, वो मेरे आगे तुच्छ है, किसी काम का नहीं। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। और ईश्वर की सन्निधि को पाने का उपाय क्या है? बस कुछ नहीं है, उसकी सत्ता को समझो, स्वीकारो, उनकी शरण को ग्रहण कर लो, सब चीजें आपो आप घटित हो जाएगी। महाराज श्री हासी हरियाणा से सुनील जी जैन अभी कुछ दिन पहले ही आपके सारिध्य में शांति धारा करके गए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं महाराज श्री हम लोग शांति धारा ही क्यों करते हैं, महावीर धारा या कि चंदा प्रभु धारा या कि हम सम्मी शिखर आए हैं तो पारस धारा क्यों नहीं कर लेते हैं, कृपया समाधान। एक दिन एक ने सवाल किया कि किसी के मरणोपरांत शांति पाठ ही क्यों किया जाता है, किसी के मरणोपरांत शांति पाठ ही क्यों किया जाता है, इसी सभा में पूछा था। मैंने जो उत्तर दिया आज के सवाल के उत्तर में, मैं वो उत्तर दोहरा देता हूँ। मैंने कहा देख भाई, अगला जो गया इस दुनिया को छोड़कर उसके पास धन था, संपत्ति थी, परिवार था,
सब कुछ था छोड़कर चला गया, एक शांति भर नहीं थी, इसलिए उसके जाने के बाद शांति पाठ करते हैं कि प्रभु उसकी आत्मा को शांति मिले। समझ गए? तो शांति मनुष्य के पास नहीं है, शांति का स्थान केवल प्रभु का चरण है, प्रभु की शरण है। तो शांति की ललक, शांति की कामना हर मनुष्य के हृदय में, इसलिए शांति धारा है। शांति के लिए तो धारा कर रहे हो, शांति सबको प्रिय है, भले वो पारसनाथ की शरण में आकर मिले, भले वो महावीर की शरण में आके मिले, भले वो आदिनाथ की शरण में आकर मिले, भले वो किसी भी भगवान की शरण में आके मिले, पर शांति तो भगवान की शरण में ही मिलेगी। इसलिए उस धारा का नाम ही शांति धारा हो गया। मैंने सुना एक बार भगवान जिसको जो चाहिए सब बांटने के लिए तैयार हो गए, बांटने लगे, लोग आए दुनिया भर के लोग, जिसे जो चाहिए था वो देते गए देते गए देते गए। एक वस्तु पर भगवान अपना पैर जमाए हुए थे, वहां से हिल नहीं रहे थे। स्वर्ग के देवता बृहस्पति ने भगवान से पूछा कि भगवान जिसको जो चाहिए आप बड़ी उदारता से लुटा रहे हो, लेकिन अपने पाँव के नीचे किसे दबा रखे हो? बोले कुछ नहीं, मैंने मनुष्य को जो चाहा वो मैंने दिया और मैं दे रहा हूं। अभी तक मैंने मनुष्यों को जो भी चीजें दी है उसे वह अपने प्रयासों से भी अर्जित कर सकता है। अभी तक मैंने मनुष्यों को जो चीजें दी है उसे वह अपने प्रयासों से भी अर्जित कर सकता है, पर मैंने जिसे अपने पांव के नीचे दबा रखा है ना, वो कहीं नहीं पा सकता, उसके लिए उसे मेरे चरणों में ही आना पड़ेगा। सामने वाला और उत्सुक हो गया, प्रभु आखिर आपने अपने पैरों के नीचे क्या दबा रखी है? बोले मैंने सब कुछ इंसान को दे दी, एक शांति को मैंने अपने चरणों के नीचे दबा रखा है ताकि वो मेरे चरणों में आता रहे, उसके लिए उसे मेरे चरणों में आना ही पड़ेगा। तो शांति चाहिए तो शांति धारा करनी ही होगी। महाराज श्री सुभाष जैन जोधपुर से चरणों में वंदन करती हुई कह रहे हैं कि गुरुवर ज्ञान कर्म व भक्ति की त्रिवेणी को एक साथ मन में कैसे स्थिर करें, समाधान कीजिए। ज्ञान कर्म और भक्ति, इन तीनों की त्रिवेणी को जीवन में एक साथ कैसे घटित करें? देखिए हमारा तो मोक्ष मार्ग ही तीनों का मेल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, रत्नत्र यही तो है जिसमें श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है और चरित्र भी है, ज्ञान भी कर्म भी और भक्ति भी, ये तीनों का समावेश है। जैन विषयी मुक्ति का मार्ग कहता है हम अपने हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा न रखें, अपने आत्मा का ज्ञान रखें और जीवन को सत्कर्म में नियोजित कर दे, तो एक साथ इन तीनों का समाहार हो सकता है। मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हर साधक इसी का अनुभव करते हैं। महाराज श्री राजा जैन सुर्खी सागर से नमोस्तु निवेदित करती है, कह रहे हैं कि सुंदरता तभी सार्थक है जब चारित्र शुद्ध है, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य अच्छा है, और मंदिर जाना तभी सार्थक है जब हृदय पवित्र है। तो महाराज श्री मंदिर जाने से पहले क्या विचार करने चाहिए जिससे कि हम अपने मन को पवित्र कर सके? एक बार फिर से दोहराइए, सुंदरता तभी सार्थक है जब चारित्र शुद्ध है, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, मंदिर जाना तभी सार्थक है जब हृदय पवित्र है। तो महाराज श्री हमारे विचार कैसे पवित्र रहे, मंदिर जाने के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल किया। सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र ठीक है। बिल्कुल, असली सौंदर्य तो हमारे चरित्र का ही है, और संपत्ति तभी सार्थक है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, ये हम रोज दोहराते हैं। अब मंदिर जाना तभी सार्थक है जब हमारा हृदय पवित्र है। इस वाक्य को मैं थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। इसका अर्थ ये न समझे कि जिनका हृदय पवित्र है वही मंदिर जाए, इसे इस संदर्भ में लें कि मंदिर जाने का तभी लाभ है जब मंदिर जाकर हम अपने हृदय को पवित्र करें। कई बार लोग ऐसा कहते हैं जिनके मन में मलिनता है उनको मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए।
मैं इसके उलट बोलता हूं, जिसके मन में जितनी मलिनता उसे उतना ज्यादा मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूं, जो व्यक्ति बीमार है अस्पताल में उसे ही जाना चाहिए। बीमार ही अस्पताल जाता है, बीमार व्यक्ति अगर अस्पताल जाएगा तो अपना स्वास्थ्य लाभ लेगा, लेकिन बीमार व्यक्ति अस्पताल जाकर के भी, डॉक्टर को दिखा करके भी अपना इलाज न कराए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। तुम्हारी मन में मलिनता थी, अपने मन की मलिनता को दूर करने के लिए तुमने प्रभु की शरण ली, प्रभु का आलम्बन लिया, और वहाँ आकर के भी यदि अपने मन को मलिन ही बनाए रखे तो तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। प्रभु से प्रेरणा लो अपने मन को निर्मल बनाने की, अपने जीवन को विशुद्ध बनाने की, और उस प्रेरणा के साथ जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक होगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक तरफ भगवान की भक्ति जरूर करते हैं लेकिन अंदर जहाँ के तहाँ रहते हैं, काले के काले रहते हैं, कहते मुँह में राम बगल में छुरी, ये स्थिति बिल्कुल उचित नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अंतरंग में वह सब कुछ घटित करना चाहिए जैसा वो चाहता है। हम जैसे दिखते हैं हमें वैसे होने का उपक्रम करना चाहिए। और श्री मालथौन से नितिन जी मोदी कोषाध्यक्ष समाज के, आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं। ऐसा ही प्रश्न प्रमोद जी का भी था कि एक सेठ जी को भीषण गर्मी में चार डोली वाले लेकर जा रहे हैं, थक जाने के कारण वे एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और सेठ जी से पूछते हैं कि आप ठीक हो। प्रश्न यह है कि थके तो डोली वाले थे लेकिन हाल चाल सेठ जी से क्यों पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल। चार डोली वाले ले जा रहे हैं, धूप से थककर पेड़ की छाया में बैठे हैं और सेठ जी से पूछ रहे हैं आप ठीक हो, थके तो डोली वाले हैं पर हाल चाल सेठ जी का क्यों पूछा जा रहा है? मेरा मानना यह है कि डोली वाले नहीं थके, थका सेठ ही है। अगर सेठ के अंदर थकान नहीं होती तो डोली पर क्यों चलता, पैदल क्यों नहीं चलता? डोली वाले थके हुए थे तो उद्यम कैसे करते? वो उद्यमी है, थके हुए नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, कदाचित डोली वाले थक भी जाए तो तन से थके, मन से नहीं। उनका उत्साह नित्य का है, रोज ये काम करते हैं। लेकिन सेठ की हालत तो बड़ी विचित्र है और दयनीय भी, वो तन से भी थका है और मन से भी थका है। तन से थका है, इतना थका है कि 10 कदम चलने में सक्षम नहीं, और मन से थका है, इतना थका है कि बिना गोलियों के नींद नहीं। तो ठीक ही पूछ रहे हैं, सेठ जी आप कैसे हो? बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए। यह जीवन के सच्चाई को उजागर करने वाला है। हर मनुष्य तभी अपने जीवन में सफल होगा और सुखी होगा जब वह सतत उद्यमशील बने और अपने जीवन को आगे गति दे। महाराज श्री शुभम जैन जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि हमारी दादी पहले कहा करती थी कि पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे होते थे, मिलनसार हुआ करते थे और आपस में काफी प्रेम होता था। यह कि हम समय से तो काफी आगे बढ़े जा रहे हैं पर हमारी सोच उतनी पीछे क्यों होती जा रही है? हम समय से काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं पर हमारी सोच उतनी पीछे क्यों होती जा रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात जो आज के इस दौर में है वो है उपभोक्तावादी मनोवृत्ति। पहले हमारे संबंधों के आधार प्रेम और आत्मीयता होती थी, आज उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। और जब संबंधों से प्रेम और आत्मीयता खो जाएगी तो ये स्थितियां दिनों दिन बनेगी और आज वो बन रही है। लोग बाहर से बहुत मजबूत हो रहे हैं, अंदर से उतने ही कमजोर हो रहे हैं। हमारे जो परंपरागत मूल्य थे, प्रेम, आत्मीयता, परस्परता, बंधुत्व, अहिंसा और करुणा के, वे दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात दूसरी है वह है बढ़ती हुई संवेदनहीनता। हमारी संवेदना दिनों दिन
उथली होते जा रही। संवेदना के छीन होने के साथ साथ हमारे संस्कारों में भी दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है, तो बढ़ते उपभोक्तावादी मनोवृत्ति, संवेदनहीनता, संस्कारहीनता जीवन में स्नेहहीनता का कारण बन रही है। अगर हम वापस अपनी सोच को अध्यात्म से जोड़े, परंपरागत मूल्यों से आत्मसात करें और अपने अंदर की संवेदनाओं को उजागर करें, तो हमारे संस्कार भी प्रबल होंगे और हमारा जीवन स्नेहासिक्त होगा, हमारा जीवन स्नेह से भरेगा, स्नेहापूरित होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे। सर्वे सतीश जी जैन पाटन वाला परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि सहन शक्ति सिद्ध बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मुनिश्री, हम ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ सके। बस इस वाक्य को दोहराते रहो, सहन शक्ति सिद्ध बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। इतना लंबा वाक्य बनाने की जगह एक छोटा वाक्य, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है, और सहने में जितना हम सह सके अपने आप को सहने की कोशिश करें, हमारी सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई सहन शक्ति के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। ये अभ्यास से किया जा सकता है, थोड़ा 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 करके हम अपनी सहन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। मैंने सुना है पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपक्रम किया जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए चाणक्य ने एक व्यवस्था बनाई थी कि उनके लिए उनके भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि अचानक किसी विष कन्या के चक्कर में राजा को न फंसा दिया जाए। पहले विष कन्याओं का भी कूटनीतिक तरीके से उपयोग होता था और जिनसे आलिंगन पास में बंद करके अच्छे अच्छे राजा मृत्यु के पात्र बन जाते थे, मर जाते थे, अच्छे अच्छे राजाओं को मरना होता था। तो चाणक्य बहुत समझदार थे और उनको दूरदर्शी थे, उन्हें लगता था कि कहीं चंद्रगुप्त के साथ ऐसा ना हो जाए, तो उसके भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने उस भोजन का थोड़ा सा अंश ले लिया और उस समय उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था और उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसके माथे पे एक थोड़ा सा बूंद भी बन गया था, काला निशान, इसलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार। तो एक कहानी है, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक बूंद बूंद विष का नित्य अभ्यास करने से व्यक्ति विष को पचाने में भी समर्थ हो सकता है। तो ऐसे ही छोटी बातों को सहने का अभ्यास करते 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 व्यक्ति बड़ी सी बड़ी विपदा को भी सहने में समर्थ हो सकता है। नित्य प्रति के अभ्यास में छोटी छोटी बातों को सहन करो। सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है, और सहन करने के लिए कई लोगों को हमें नजरअंदाज करना पड़ता है। उनको नजरअंदाज करेंगे तो चीजें हमारे सहन करने में आएगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। महर्षि, हमारे बीच में विशाल जी जैन जो कई वर्षों से गुणायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना प्रश्न रखेंगे और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी संस्कार सागर। जब नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रतिमाओं में ऑटोमेटिक अभिषेक होने लगता है, मतलब धाराएं गिरने लगती है, तो ये गुरुदेव क्या अतिशय है और ये अतिशयों को हम लोग को किस रूप में लेना चाहिए? देखिए, प्रतिमाओं में कई तरह के निमित्त बताए गए, अंतरिक्ष, भौम और दिव्य। दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, ये तीन प्रकार के निमित्त हैं, समझ गया? इनसे अतिशय और उत्पात दोनों की सूचनाएं होती है। आकाश में अगर कुछ घटता है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष संबंधित निमित्त, अन्य कोई जो दैविक चमत्कार होते हैं उसको दिव्य निमित्त में लिया जाता है, और भौम ये प्रतिमा आदि में इस तरह का कार्य होना, प्रतिमा का अभिषिक्त हो जाना, नक्षत्र हिलने लगना, प्रतिमा का पसीज जाना, प्रतिमा का रंग बदल जाना, ये सब भौम निमित्त के अंतर्गत है।
हमारे यहाँ एक ग्रंथ है लोक विजय, समझ के, उसमें इन सब के बारे बहुत विस्तार से बताया, भद्रबाहु संहिता में भी है। प्रायः लोग इसको अतिशय मानते हैं, लेकिन ये अतिशय नहीं, कई जगह उत्पात का भी द्योतक है। तो अतिशय और उत्पात हमें दोनों चीजें समझना चाहिए। तीर्थंकर प्रतिमा का अभिषिक्त होना अतिशय है और तीर्थंकर प्रतिमा का पसीज जाना उत्पात का द्योतक है। अभिषिक्त होना और पसीजना, इसमें बड़ा अंतर है। जब तीर्थंकर प्रतिमाएं अभिषिक्त होती है तो माथे से धारा बहती है और पसीजती है तो शरीर से बूंद 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 निकलने लगता है, तो पसीजना अच्छा नहीं बताया गया। ऐसा लिखा है कि अगर कहीं तीर्थंकर प्रतिमा पसीजती हुई दिखाई पड़े तो शीघ्र शांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि लगातार 7 दिन तक तीर्थंकर प्रतिमा यदि ऐसे पसीजते दिखे तो 6 महीने के भीतर श्रावकों और श्रमणों पर विधर्मियों द्वारा महान उपसर्ग का संकेत है। आजकल लोग प्राय इन सब बातों को महिमा मंडित कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, इसे अतिशय और चमत्कार से जोड़ देते हैं। ये उत्पात है, तो उत्पात 1 दिन हुआ ठीक है, शांति कर्म करो, 7 दिन हुआ तो बहुत बड़ा खतरनाक संकेत बताया। तो इसी तरह से अन्य अनेक चीजें हैं जिनका उल्लेख अभी मैं यहाँ करना नहीं चाहता, उसको उस संदर्भ में देख करके चलना चाहिए। इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है हमारा प्रश्न कि अक्सर देखा जाता है कि ये पुरानी जो प्राचीन प्रतिमाएं होती है उन प्रतिमाओं में अधिकतर ऐसा होता है। हाँ, प्राचीन प्रतिमाओं के साथ होता है, कुछ जगह अर्वाचीन प्रतिमाओं में भी हुआ है। ये एक संयोग है, इसको संयोग के रूप में देखना चाहिए। प्राचीन प्रतिमाओं का अपना प्रभाव होता है, उनमें वर्षों से लोग पूजा अर्चा करते आ रहे हैं, उस तरह की स्थितियां होती है, लेकिन नई प्रतिमाओं में भी कई जगह हुआ होता है। ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी इंदौर से, संस्कार सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी जो विधान करते हैं तो जो पहले ताराचंदी द्वारा लिखित शांति विधान था, उस विधान में स्थापना प्रत्येक वलय में की जाती थी, पर आज उस विधान में स्थापना एक ही बार करते हैं क्योंकि शांतिनाथ भगवान तो वही हैं, पर आज जो विधान लिखे जा रहे हैं उसमें भी ऐसा किया जा रहा है कि अष्टक न चढ़ा करके स्थापना हर वलय में करो और अष्टक ना चढ़ाओ, ऐसा क्या उचित है, आगम अनुकूल है, शंका का समाधान करें। देखिए, विधान जितने भी हैं तो अपने अपने अनुष्ठान के रूप में है और अनेक रूपों में अनेक विधानों की संरचना है। मैं आपको बताऊं, सिद्धचक विधान भी है ना, मैंने जब पांडुलिपियां देखी तो उसमें कई तरीके के सिद्धचक विधान है, सिद्ध यंत्र भी कई तरीके के। शांति विधान का जो मूल रूप संस्कृत के शांति विधान में है, हमें उसे अपना करके चलना चाहिए। बाद के लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया, हिंदी में किया, नित्य प्रति परिवर्तन होते रहे, पर जिन्होंने शांति विधान की रचना की मूल संस्कृत का, वही शांति विधान मूल आधार होना चाहिए। शांति मंत्र भी है उसमें, यंत्र भी है, उसके साथ पूरा उसके मंडल का विधान, और मैंने 2-3 बार यहाँ कराया भी है, शांति विधान उसी रूप में होना चाहिए। उस शांति विधान में ये भी बताया है कि उस यंत्र का अभिषेक करे दर्पण के माध्यम से, और दर्पण के माध्यम से अभिषेक करने के बाद 2 झलझलरी बनाए, और झलरी के माध्यम से उस अभिषेक के उपरांत उस झलरी को बजाए, उसकी ध्वनि जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक शांति होगी। ये व्यवस्था और ये विधान उसमें दिया। तो इन बातों को हमें उसी तरीके से देख कर समझ करके चलना चाहिए। तो जो जहाँ व्यवस्था दी गई है तदनुरूप अगर हम काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। परिवर्तन परिवर्धन करे, पूजा अर्चा की दृष्टि से मैं उसका निषेध नहीं करता, पर इसमें इतना जरूर देखना चाहिए कि इसके पीछे कहीं मूल में भूल ना हो जाए। जो बीजाक्षरों की उनने संरचना की है, पिंडाक्षर जोड़े गए हैं और अन्य मंत्रों को जोड़ा गया है,
वो मूल संस्कृत विधान के अनुरूप हो तो ही ज्यादा प्रभावी प्रतीत होता है। इसी से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न है कि शांति विधान में तो मूल में एक ही बार स्थापना की जाती है, पर यहाँ हर वलय में स्थापना कई बार कर रहे हैं और अष्टक नहीं चढ़ा रहे, जल चंदन अक्षत पुष्प। वो तो अब बुधा की अपनी सोच है, कर ले तो कोई पाप नहीं है, लेकिन मूल से मिलाकर के करना ज्यादा अच्छा है। हमारा श्री श्रीमती गुड़माला जी, निर्मल कुमारी जी एंड रुठियाई गुना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कहना चाह रही है हमारा श्री कि एक बच्चा जो जैन नहीं है और उसने जैनत्व को अपनाया है, और एक बच्चा जो जैन होकर के भी अगर व्यसनी होता है, तो हम दोनों में श्रेष्ठ किसको माने? देखिए, जो व्यक्ति जैन नहीं है, जैनत्व को अपनाया है, निश्चित स्वागत योग्य है और हमें उसको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो जैन होकर के विष्णु हो गया है, उसे भी दुत्कारना नहीं चाहिए, अपितु उसे पुचकार करके सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उसके हृदय में जैनत्व का गौरव बढ़ सके और वो अपने श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त कर सके। हम इसमें तुलना न करें, अपितु हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति करुणा बढ़ानी चाहिए और अपने करुणा भाव से उसे वापस मूल धारा में लौटाने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि कमल जी भंडारी भोपाल से नमोस्तु निवेदित करते हुए कहना चाह रहे हैं कि इन दिनों अभिषेक पूजन करने वाले बंधुओं में विभिन्न प्रकार के रंगीन धोती दुपट्टा पहनने का चलन हो गया है, जैसे नीले लाल आदि, जबकि हमारे पूर्वजों के समय में केवल केसरिया अथवा सफेद धोती दुपट्टा ही प्रयोग में आते थे। तो इस तरह रंगीन वस्त्रों का हम क्या महत्व समझें? देखिए, बात बहुत गंभीर है और ये इस पर विचार करना चाहिए आप प्रतिष्ठाचार्यों को भी। विधानों में भी आप तड़क भड़क में आजकल अलग अलग रंगों के वस्त्रों का प्रयोग कर लिए। हमें मूल रूप से मूल रंगों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। मूलतः पीतांबर होता है इंद्र, सौधर्म इंद्र, तो पीत वस्त्र उसके लिए उपयोगी हैं और श्वेत वस्त्र भी सात्विकता का द्योतक है। कई जगह जो दूसरे वस्त्रों का प्रयोग करने लगे एकदम गहरे रंगों के, वो उचित नहीं है। इससे हमारा ड्रेस कोड खराब होता जा रहा है। केवल आकर्षण न देखे, शुद्धता के साथ जो इसका एक परिधान था, उस परिधान के अनुकूल संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। श्री संजय जैन यूएसए से सीए हैं, जो कि आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि नए साल में जैन धर्म की मूल बातें, दैनिक मंदिर, अगर मंदिर दूर है तो क्या हम घर पर दर्शन करने के लिए जगह बना सकते हैं? क्या हम फिल्टर किया हुआ पानी पी सकते हैं? सर्दियों और गर्मियों में सूर्योदय और सूर्यास्त में भिन्नता होती है, तो सर्दी के दिन छोटे होते हैं, क्या हम समय के आधार पर खाने के लिए नियम ले सकते हैं? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। चार सवाल है, सबसे पहले क्या पूछा? दैनिक मंदिर, अगर मंदिर दूर है तो क्या घर में हम स्थान बना करके मंदिर जा सकते? देखिए, मंदिर दूर है तो घर में स्थान बनाकर मंदिर जाने की बात, अभी कोविड के काल में तो पास में मंदिर वाले को भी घर में करना पड़ा। कोशिश करें मंदिर कितना भी दूर हो जाने का प्रयास करें, यदि स्थिति अनुकूल है। लेकिन कदाचित मंदिर दूर हो तो भगवान को अपने पास रखो, ताकि मंदिर की निकटता का एहसास हमेशा आपको होते रहे। देश काल के अनुसार आप वैसा कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है? क्या हम फिल्टर किया हुआ पानी पी सकते हैं? पी रहे हैं, उत्तम तो यही है कि छान करके पिए। और जिन्हें इस तरह की पानी की समस्या, उनके लिए बहुत अच्छा समाधान है, बारिश के जल को संग्रहित करके रखें। बरसात का जल पूरी तरह से डिस्टिल वाटर की तरह, वो फिल्टर के पानी से भी उत्तम है। आज के समय में जिस तरह से पानी की उपलब्धता है, वो पूरी तरह आर्सेनिक होने से हानिकारक तो है ही, इसलिए उसके तरफ हमें बहुत गंभीर और सावधान होकर के चलना चाहिए। पर फिल्टर करके जो लोग पी रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैन चर्या के अनुकूल नहीं है। बरसात के पानी को बहुत आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और उसका उपयोग करें तो आप पूरी तरह से अपने नियमों के पालन में दृढ़ हो सकते हैं। अगले कह रहे हैं, सर्दियों और गर्मियों में सूर्यास्त और सूर्योदय में भिन्नता होती है, सर्दी के दिनों छोटे होते हैं, क्या हम समय के आधार पर खाने के लिए नियम ले सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे 6 बजे या 7 बजे तक खाना। वो समय के आधार पर आप नियम लोगे तो आपके परिवार में सुविधा जरूर हो जाएगी, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के पीछे की जो भावना है, रात्रि भोजन के त्याग के पीछे की भावना वो पूरी नहीं होगी। हमारा प्रयास अलौकिक पान भोजन का होना चाहिए।
मैं सभी लोगों से कहता हूँ दो ढाई महीने ऐसा चलता है, क्या हम दो ढाई महीने एक वक्त भोजन करके नहीं चला सकते? अपने मन को मजबूत बनाइए, समय के अनुरूप मत ढालिए, जब तक प्राकृतिक प्रकाश होगा तभी तक हम भोजन ग्रहण करेंगे, इस संकल्प से जुड़ कर के आप कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी विफल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।